हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से शेड कर सकते हो हेयर्स को, आईज को और बियर्ड को, ठीक है। इससे पहले अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट है उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले जाकर उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ ही इस ड्राॅइंग को करिए तो आप देख सकेंगे कि आपका बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, आर्ट के रिलेटेड, और आप फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग भी कर पाओगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले तो जो आउटलाइन बनाया था उसको मैंने इरेज करके थोड़ा सा लाइट कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया ये मैंने बाद में बोलूँगा आपको, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मैं शेड कर रहा हूँ हेयर्स पे फर्स्ट लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर करने के बाद मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए। आप चाहे तो किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल जो ब्रशेज होते हैं उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जो रेफरेंस पिक है वो थोड़ा और डार्क है, रेफरेंस पिक पे जो मेरा जो हेयर्स है वो और डार्क है, तो मैं उसको थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ सेकेंड लेयर देने के लिए, ठीक है। ये देने के बाद भी आपको फिर से मेकअप ब्रश से जो है ब्लेंड कर देना है। उसके बाद मैं मोनो इरेजर का यूज़ करूँगा और ये मैंने मोनो इरेजर घर में खुद बनाया है, ठीक है। आप भी चाहे तो आप भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं खरीदना है तो। इसका मैंने कैसे बनाया इसके लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल ला दूँगा जिसमें मैं आराम से बता दूँगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे जो स्ट्रोक्स है, हाईलाइट्स है, वो बना रहा हूँ स्ट्रोक करके, जैसे मैं रेफरेंस पिक में मुझे दिखाई दे रहे उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है कि जो हाइलाइट्स जहाँ जहाँ होगा उसको आपको अच्छे से देख के बना लेना है, ठीक है। पोजीशनिंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एंड इसके लिए भी मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से जो ट्रेनिंग कर सकते हैं पोजीशनिंग का, ठीक है। जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से लाइन्स को सही जगह पर बिठा सकते हो, तो उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो अभी आप देख सकते हो कि हाइलाइट्स देने के बाद मैं धीरे धीरे जो चारकोल का पेंसिल है उससे मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, और वो भी रेफरेंस पिक पर बहुत अच्छे से देख देख के, ठीक है। आपको यही आप लोग यही गलती करते हो कि आप रेफरेंस पिक को अच्छे से नहीं देखते हो और ऐसे ही स्ट्रोक्स लगाते जाते हो, तो यह आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से देखना कि रेफरेंस पिक में किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में जो स्ट्रोक्स है वो जा रहा है, उसी हिसाब से आपको करना है। अभी मैं आईब्रोज में मैंने फिर से फर्स्ट लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बियर्ड में भी कर दिया, तो ये आप देख सकते हो कि सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने हेयर्स पर किया है उसी हिसाब से मैंने आईब्रोज में और बियर्ड में किया। तो ये करने के बाद आपको सिंपली जो मोनो इरेजर है या फिर आप चाहे तो एक इरेजर आता है इस तरीके का, ठीक है, उसको मैं यूज़ करूँगा अभी भी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अगर आपके पास नहीं है तो आप मोनो इरेजर या फिर नॉर्मल जो इरेजर है उसका भी यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से जैसे मैंने एक मोनो इरेजर बनाया था उसी हिसाब से आप बना लो, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि उससे आपको हाइलाइट्स क्रिएट करना है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाइलाइट्स आपको क्रिएट करना है इससे, एंड उसके बाद उसी हिसाब से जैसे आपने देखा था कि हेयर्स में मैंने किया है स्ट्रोक्स लगाए अच्छे से रेफरेंस पिक को देख के, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। एक और चीज़ लोग क्या गलती करते हैं कि वो जब भी बियर्ड को या फिर हेयर्स को करते हैं तो उनके जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे वो स्किन के साथ मिल रहा है, ठीक है, वो जगह में लोग बहुत ज़्यादा डार्क करके बियर्ड को एंड करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको बहुत स्मूथली लेके जाना है, बहुत लाइट होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो जो स्किन के साथ जो बियर्ड मिल रहा है, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है उस जगह में आपको बहुत लाइट करना है, बहुत लाइट प्रेशर से जो एंड है स्ट्रोक्स लगाना है, बहुत लाइट से करना है, ठीक है, बहुत लाइटली करना है। और उसके लिए आप पेंसिल को बहुत ही पीछे की तरफ पकड़ सकते हो जिससे आपका जो प्रेशर है, हाथ का जो प्रेशर है, वो बहुत लाइट पड़ेगा, या फिर आप ओवरहैंड ग्रिप का या फिर ट्राइपॉड ग्रिप का भी यूज़ कर सकते हो। ट्राइपॉड ग्रिप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही पीछे की तरफ आपको पकड़ना है,
और ओवरहैंड ग्रिप अगर आप सामने की तरफ भी पकड़ते हो तब भी लाइट ही प्रेशर आएगा, ठीक है। अब ओवरहैंड ग्रिप और ट्राइपॉड ग्रिप अगर आपको नहीं पता है कि ये दोनों क्या है, तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो ला दूंगा, और वो वीडियो पाने के लिए आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अभी हमारा हेयर्स का जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको स्किन की तरफ नहीं भागना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आँख को कंप्लीट करना है, क्योंकि आँख भी अभी भी डार्क है इस पूरे रेफरेंस पिक में, और आपको सबसे पहला टारगेट जो डार्क एरियाज है उसको ही करना है, ठीक है। मैं इस फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी फोटो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फोटो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि उस फोटो में सबसे ज़्यादा डार्क एरिया कौन सा है, एंड उसको ही आपको पहले पहले शेड कर देना है। उसके बाद आप रेफरेंस पिक में अच्छे से देख सकते हो कि उसके सामने की चीज़ें कितनी जो लाइट है उस डार्क एरिया के कंपैरिजन में, उसी हिसाब से आपको अपने जो पेपर है उसमें भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। आपको अच्छे से देखना है और ऑब्जर्व करना है कि उस डार्क एरिया से कितना लाइट है, उसी हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं और अच्छे से इसको बताने का ट्राई करूँगा अगले वीडियोस में, ठीक है। या फिर आपको आप चाहे तो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, कि अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपके लिए मैं फिर से एक और वीडियो अच्छे से इस टॉपिक पर बना दूंगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि आप देख सकते हो मैं हेयर्स का जो साइड वाला पार्ट है वो बना रहा हूँ, और उसमें मैं वही कर रहा हूँ जो अभी मैंने आपको बोला था, सबसे ऊपर का जो हेयर है उसमें मैं देख रहा हूँ उसके कंपेरिजन में जो साइड का हेयर है वो कितना लाइट है, उसी हिसाब से मैं रेफरेंस पिक में अच्छे से देख रहा हूँ कि कितना लाइट है, उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ थम्स अप एक कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आगे मैं और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बता पाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, थम्स अप दे देना। तो फ्रेंड्स इतना ही कहना था, ठीक है। अभी आप बस देखते रहिए वीडियो को कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे फेस को कवर करने की कोशिश करूँगा, और इस वीडियो के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मेरी ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत आपको क्वालिटी ख़राब भी लग सकती है, और मेरे बोलने का ढंग भी आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिस नहीं था, तो मैंने बहुत दिनों के बाद जाके मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तो लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अगले वीडियोस में बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। आप बस सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। आप अभी वीडियो को देखिए, ठीक है, मैं अभी आपको जाना नहीं है, आप वीडियो को देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से देख के समझ लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, और ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ देखते रहिए, ऐसा नहीं है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे आपको करना भी है, अगर आप करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में, बाय। They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation